नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रूसी यानी कि डैंड्रफ की समस्या के बारे में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी 6 चीज़ें बताने वाले हैं जिनको अगर आप लोग अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो खुद देखेंगे कि किस प्रकार रूसी आपका पीछा छोड़ देती है आपके बालों में से। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गवाए बताते हैं आपको उन 6 चीज़ों के बारे में। तो दोस्तों, ऐसे में पहली चीज़ आती है चना। रोज चना खाने से रूसी यानी कि डैंड्रफ दूर हो जाता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, नमी, चिकनाई, आयरन और विटामिन्स होते हैं। चने को गरीबों का बादाम भी कहा जाता है क्योंकि यह सस्ता होता है, लेकिन इस सस्ती चीज़ में बड़ी से बड़ी बीमारी से लड़ने की ताकत होती है। चने का सेवन सुंदरता को बढ़ाता है, साथ ही दिमाग को तेज बनाता है। चने में विटामिन B6 और जिंक होता है, जिसके कारण इसके नियमित सेवन से डैंड्रफ खत्म हो जाता है। जिन्हें चने का स्वाद पसंद नहीं है वह बेसन को सिर में लगाएं, उससे भी रूसी दूर हो जाती है। दोस्तों, दूसरी चीज़ आती है लहसुन। इसमें पाए जाने वाले तत्वों में एलिसिन भी एक तत्व होता है, जिसे ग्रेट एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल और एंटीऑक्सीडेंट के रूप में जाना जाता है। लहसुन में हाई कॉन्स्ट्रिक्शन में एलिसिन एसिड पाया जाता है, जो एक नेचुरल एंटीफंगल है। इसलिए रूसी यानी कि डैंड्रफ से परेशान लोगों को अपनी डाइट में लहसुन को जरूर शामिल करना चाहिए। लहसुन लगाने से भी रूसी खत्म हो जाती है। लहसुन के रस में हल्का सा पानी मिलाकर लगाएं, इससे आपका डैंड्रफ दूर हो जाएगा। दोस्तों, तीसरी चीज़ आती है सूरजमुखी। सूरजमुखी के बीज सिर की त्वचा पर अधिक तेल आने से रोकते हैं। इसमें जिंक और विटामिन B6 होता है। इसके बीज पाचन को दुरुस्त करके शरीर में मेटाबॉलिज्म को ठीक करते हैं और इन्फेक्शन से पैदा होने वाली डैंड्रफ को दूर करते हैं। दोस्तों, चौथे नंबर पर आता है गेहूं। उगे हुए गेहूं में विटामिन ई भरपूर मात्रा में होता है। शरीर की उर्वरक क्षमता को बढ़ाने के लिए विटामिन ई बहुत ही जरूरी होता है। यही नहीं, इस तरह के गेहूं के सेवन से स्किन और बाल भी चमकदार होते हैं। अंकुरित गेहूं में मौजूद तत्व से शरीर से एस्ट्राफेक्ट को सोख लेते हैं। इसमें बहुत सारा विटामिन B6 और जिंक पाया जाता है। इसके सेवन से भी रूसी दूर हो जाती है। पाँचवें नंबर पर आता है सेब। सेब रेशे वाला फल है, इसलिए इसमें फाइबर अच्छी मात्रा में पाया जाता है। सेब को खाने से पाचन तंत्र भी सही रहता है। यह एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। मधुमेह, कैंसर, दिमाग से रिलेटेड बीमारियों को दूर करने में यह मदद करता है। सेब शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को नॉर्मल करता है, जिससे मधुमेह के रोगियों को लाभ मिलता है। सेब को खाने से डैंड्रफ खत्म हो जाती है और बाल स्वस्थ और चमकदार बनते हैं। और दोस्तों, आखिरी चीज़ आती है केला। केला हर मौसम में सरलता के साथ उपलब्ध होने वाला पौष्टिक और स्वादिष्ट फल होता है। केला रोचक, मीठा, शक्तिशाली, वीर्य और मांस बढ़ाने वाला, नेत्र दोष में लाभदायक होता है। केले में विटामिन और मिनरल जैसे जिंक, पोटेशियम और आयरन होते हैं। इसके अलावा इसमें एमिनो एसिड और एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं, जो कि डैंड्रफ को दूर करने में आपकी मदद करेगा। दोस्तों, केला और एवोकाडो का पेस्ट मिलाकर बनाएं और सिर पर लगाएं। इसे 20 मिनट के बाद इसे अपने पानी से धो लें। तो दोस्तों, ये थे वो 6 चीज़ें जिनका अगर आप सेवन करते हैं या इनका जिस प्रकार से हमने आपको बताया यूज़ करते हैं, तो यकीन मानिए आपके बालों से जो रूसी या फिर डैंड्रफ की शिकायत होती है उसको आप आसानी से दूर कर देंगे। आसानी से रूसी की प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो जाएगी। आपको कुछ सावधानियाँ ज़रूर रखनी है दोस्तों, जैसे कि फास्ट फूड जैसे कि पिज्ज़ा, बर्गर आदि को आप ना खाएँ या फिर कम खाएँ। इसके अलावा चॉकलेट को अवॉइड आप ज़रूर करें। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की जानकारी और वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों, अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।